आर्ट ऑफ टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम नाइट ऑफ वाटर भी कहते हैं, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट की कार्ड नाइट ऑफ कप्स के साथ। तो वीडियो की शुरुआत में हम हमेशा बोलते हैं कि हम दो कार्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो डिफरेंट डेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कंपैरिजन चलता है और कभी कभी कंपैरिजन नहीं चलता है, क्योंकि ओशो ज़ेन टैरो की अपनी एक यात्रा है और राइडर वेट टैरो की अपनी एक यात्रा है। बीच में ऐसे पड़ाव ज़रूर आते हैं कि जहाँ पे ये दोनों कार्ड्स जो हैं मिलते हुए दिखते हैं, दोनों जो हैं एक बात करते हुए दिखते हैं। माँ देव पद्मा, जिन्होंने ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्रिएट किया है, उन्होंने यही सोच के बनाया था कि जो राइडर वेट का जो मैसेज है वो सेम मैसेज जो है ओशो ज़ेन टैरो के साथ मैच करेगा। लेकिन शायद वो भी समझेंगी इस बात को और वो शायद एग्री करेंगी कि दोनों कार्ड्स की अपनी एक जर्नी है, और ओशो ज़ेन टैरो जो है इट्स प्योरली स्पिरिचुअल डेक, जो कि ओशो की देन है। और जब हम राइडर वेट की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक प्योरली लॉज ऑफ लाइफ है। ऐसे लॉज ऑफ लाइफ जिनको अगर आप समझ लें तो आपकी ज़िंदगी जो है सुंदर हो जाए। अगर हम राइडर वेट टैरो की बात कर रहे हैं तो वो कार्ड्स जो है हमें जीवन के नियम सिखाता है, जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका बताता है, हमारे को बताता है कि कहाँ हम फंस सकते हैं, कहाँ हम निकल सकते हैं, कहाँ हम जो हैं कैसे अपने जीवन को जो है सुंदर बना सकते हैं। तो राइडर वेट अपने आप में भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्पिरिचुअल टूल है, लेकिन वो संसार की भी बात करता है। और अगर हम ओशो ज़ेन टैरो की बात करें, ओशो ज़ेन टैरो जो है प्योरली स्पिरिचुअल मैसेजेस की बात करता है कि ये जो डीपर सीक्रेट्स हैं जो कि लाइफ के हैं उसकी बात करता है। मेरे देखे जो है ओशो ज़ेन टैरो के सारे कार्ड्स ही मेजर अरकाना है कि वो बड़े सीक्रेट्स हैं लाइफ के, और राइडर वेट के कार्ड्स जो हैं उसको प्रॉपरली हम जो है दो सेक्शंस में बांट सकते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना की तो बात करता ही है, बड़े सीक्रेट्स की तो बात करता ही है, लेकिन वो छोटे छोटे लाइफ के डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें जो घटनाएं जो घटती हैं उसकी भी बात करता है। तो ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वीडियोस में जो है हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो एनीवेज अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नाइट ऑफ कप्स को थोड़ा पहले समझेंगे। हमने समझा था कि पेजेस जो हैं वो एक सीड है, वो अभी एक थॉट प्रोसेस है, वो एक एनालिसिस है जो कि पेज के अंदर चल रहा है। पेज अपने सारे ऑप्शंस देख रहा है, लेकिन एक बार पेज ने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या चाहिए तो जो उस यात्रा पे निकलता है वो है नाइट। नाइट वो है जो आपकी डिज़ायर को कंप्लीट करता है, कि ऊर्जा जो है उस डायरेक्शन में जो है बहनी शुरू हो गई। तो अगर हम नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेम की ऊर्जा है, इमोशंस की जो ऊर्जा है वो बहनी शुरू हो गई है। और नाइट ऑफ कप्स में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपना कप लेके जो है घोड़े पे निकल पड़ा है। जब भी आप प्रेम की यात्रा पे निकलते हैं तो वो एक तरह का एडवेंचर होता है, आप अपना दिल अपना जो इमोशंस हैं वो अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। आप चाहते हैं लाइफ को एक्सपीरियंस करना अपने दिल के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने हार्ट के थ्रू। तो नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें प्रेरित करता है कि एक स्थिति आ गई है, एक टाइम आ गया है जब आप अपने इमोशंस को जिए, कि आप अपने हार्ट को एक्सप्रेस करें, कि उस लाइफ की जो यात्रा है उसको जानिए अपने हार्ट के थ्रू। और जब हम कप्स की बात कर रहे हैं, कप्स के साथ जो है ट्रस्ट बहुत इजी है, बहुत जो है स्वाभाविक ढंग से जो है ट्रस्ट जो है घटता है। अगर हम बात करें वॉन्ड्स की, स्वॉर्ड्स की, पेंटिकल्स की, तो अगर ट्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे इजी जो रहेगा किसी के लिए ट्रस्ट को जीना तो वो है कप्स, जिसके थ्रू वो पॉसिबिलिटी घटती है। तो इसी से जोड़ते हुए मैं कार्ड ऑफ ओशो ज़ेन टैरो नाइट ऑफ वाटर, जो कि ट्रस्ट के लिए स्टैंड करता है, उसकी बात करेंगे। कार्ड में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ऊपर से एक बंजी जंपिंग की तरह जो है कोई कूद गया है जहाज से, और इस कूदने में जो है एक पूरा कंप्लीट ट्रस्ट है लाइफ के प्रति कि लाइफ उसको संभाल लेगी।
ये मूवमेंट कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ भी इस व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कि अब लाइफ जो है डिसाइड करेगी कि इसके साथ क्या होगा। ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं लाइफ में हमारे साथ कि हम लाइफ को जो है पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाए। जो ओशो ज़ेन टैरो का जो डीपर मैसेज है इस कार्ड के थ्रू वो ये है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जो है लाइफ के ऊपर छोड़ के तो देखिए, ट्रस्ट तो करके देखिए, लेकिन हमारे भीतर जो है हर वक्त एक डर बना रहता है। हमें हर चीज़ की एक छोटी छोटी चिंता होती है, धन की चिंता, परिवार की चिंता, हज़ारों चिंताएं जिसका कोई अंत नहीं है। वो चिंताएं जो है सिर्फ ये बता रही हैं कि हमारा जो है लाइफ के प्रति जो है ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अगर लाइफ के प्रति अगर ट्रस्ट है तो आपकी एक गहरी आंख है जो देख पाएगी कि जिसने ये शरीर दिया है तो इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी जो ज़रूरी हैं वो भी घट रही हैं। परमात्मा ने जीवन आपको इस तरह का दिया है कि डिफ़िकल्ट होगा कि शिकायत करना, और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं लाइफ में जो आती हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी देखता हूँ कि वो जो नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं वो कुछ सिखा के गई हैं, वो कुछ उभार के गई हैं, वो जीवन जो है आपको एक नई डायरेक्शन, वो आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन दे के गई हैं। अगर आप उन पीड़ाओं से ना गुजरें, अगर आप उन दुखों से ना गुजरें, तो जीवन की जो प्रौढ़ता है, जीवन की जो मैच्योरिटी है वो नहीं घटती। और गुरु ओशो जो है बार बार इस बात को बोलते हैं कि जब तक कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ जाते, जब तक कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं आ जाती, आपके भीतर का जो वो जो एक अवेकनिंग है वो घटनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि उन्हीं रियल चैलेंजेस में जो है आपका असली रूप जो है प्रकट होता है, आपके भीतर जो सोया हुआ है वो जागना शुरू होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो सोई हुई थी। क्योंकि वो सोई इसलिए भी थी क्योंकि उसको लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे एक पैनिक होता है, जहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट होता है, वहाँ पे वो ऊर्जा जो है जागनी शुरू होती है आपके भीतर। लेकिन मेरे देखे जो है उस सिचुएशन को आने से पहले क्यों ना हम जो है अपनी ऊर्जा को जो है जगाना शुरू करें, क्यों ना इस तरह से जीवन को जीना शुरू करें कि एक एक क्षण जो है वो जीवित हो हमारा, और उस जीवित क्षण के अंदर जो है एक साथ में एक और स्थिति बनती है कि आपको मौका देती है लाइफ कि आप मेरे ऊपर जो है छोड़ दो चीज़ें। आप अवेक रहो, कॉन्शियस रहो, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, आप रिलैक्स भी हो जाओ, आप बिल्कुल छोड़ दो उस प्रोसेस को। जैसे भगवान कृष्ण जो है अपनी गीता में बोलते हैं कि फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या दूसरे शब्दों में वो बात कर रहे हैं ट्रस्ट की, कि अपनी तरफ से जस्ट डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से जो तुम कर सकते हो वो कर लो, उसके बाद फिर जो है फल की इच्छा छोड़ दो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, फल मैं देखूंगा। तो जिसने फल की इच्छा छोड़ दी वहां पे तो है एक लाइफ के प्रति जो है गहरा ट्रस्ट भी आ गया। क्या आपने अलाउ कर दिया लाइफ को अपनी टेक केयर करने के लिए, और ये ही कार्ड ऑफ ट्रस्ट जो है हमें मैसेज देता है। जो इमेज जो कार्ड में दिखाई है वो बहुत ही सुंदर एक इमेज है, और ये इमेज अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि एक स्थिति बिल्कुल ऐसी है जब आप लाइफ के प्रति छोड़ते हैं, वो एक फ्री फॉल है। क्या आपने अपने आप को लाइफ के ऊपर छोड़ दिया? हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप छोड़ें चाहे ना छोड़ें, लाइफ वो ही कर रही है आपके साथ जो उसको करना है। लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी ने डिसाइड किया और देख पाई कि लाइफ तो वहीं लेके जा रही है जहाँ उसको लेके जाना है, तो अच्छा ये हो कि मैं ट्रस्ट करूँ, मैं अलाउ कर दूँ लाइफ को, उस स्वीकार भाव के साथ चीज़ें सुंदर हो जाती हैं। फिर चाहे आप नरक में हों चाहे स्वर्ग में हों, चीज़ें जो हैं सुंदर हो ही जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि संत को जो है आप नरक में नहीं डाल सकते, क्योंकि संत अपना स्वर्ग जो है अपने साथ लेके चलता है। और गुरु ओशो का जो है एक मैसेज और इस कार्ड के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये कि अपना वक्त जो है उन चीज़ों में बर्बाद मत करिए कि जो आपसे ले ली जाएंगी। लाइफ में चीज़ें जो हैं घट रही हैं, जिस तरह से घट रही हैं, एक एक क्षण जो बीत रहा है आप धीरे धीरे जो है अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिसको हम जन्मदिन कहते हैं उसको एक्चुअली में मृत्यु दिन कहना चाहिए, क्योंकि आप मृत्यु के एक साल और करीब आए। जैसे ही कोई जो है जीवन का जिसने प्रोसेस शुरू करा, वहाँ पे साथ साथ जो है मौत का प्रोसेस भी शुरू हो गया, मृत्यु का प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो जीवन को थोड़ा सा और गहरे से देखना, जिन चीज़ों में हमने अपनी जो है ऊर्जा लगा रखी है, इस चीज़ को गहरे से देखना कि साथ जो है आपके कुछ नहीं जाएगा। और मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि आप जो है अपना काम धंधा छोड़ दें, आप जो जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें। जीवन में जो है धन की कीमत है, धन उपयोगी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। तो धन कमाना है, लेकिन धन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। धन से सुख आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सुख आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सुख आप क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि जो आप ये जो समय जो है इतना सारा इन चीजों में लगाते हैं, आपको साथ साथ जो है एक ही रिमाइंडर हर वक्त रहना चाहिए कि ये सब चीजें जो है आपसे ले ली जाएंगी। तो जो चीजें आपसे ऑलरेडी ले ली जाएंगी, तो भीतर से आप उनको छोड़ ही दीजिए। क्यों ना इस तरह से जिए कि जिस घर में हम रह रहे हैं और हम समझे कि यहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए रुके हुए हैं, कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें लगे कि हम जो है इस शरीर को खाना खिला रहे हैं, कि हम अपने जब रिश्ते नाते जो है जो जी रहे हैं वो इस तरह से जिए कि सब जो आसपास जो लोग हैं और जो मैं हूँ वो सब एक दिन मिट जाएंगे। ये मृत्यु की एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस हर वक्त आपके भीतर बनी रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का एक लेसन है। क्योंकि हम जिस तरह से जीते हैं वो जीते इस तरह से हैं कि जैसे कि मृत्यु होनी ही नहीं है। इस तरह से घर बनाते हैं कि ये घर जो है सदा से रहेगा और मैं इसमें सदा रहूँगा। लेकिन जब आपके अंदर ये अवेयरनेस रहेगी, जब आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रहेगा कि मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु है और वो किसी भी क्षण घट सकती है, तो जब मृत्यु है ही तो वहाँ पे जो है आपकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। वहाँ पे आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं और आपकी ऊर्जा उन चीज़ों में लगनी शुरू होती है जो आपके साथ रहेंगी। तो जब हम बात करते हैं ध्यान की, प्रेम की, समाधि की, जब आप जो गुरु के साथ जुड़ते हैं, ये स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जो आपके बहुत गहरे जो है आपके साथ जो है मिल जाती हैं, वो आपके गहरे मन का एक हिस्सा बन जाती हैं और ये आपके भीतर जो है कॉन्शियसनेस को ग्रो करती है। और जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, जितना आप अवेक एंड अवेयर हो जाएंगे, उतना मृत्यु की फिर चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप मृत्यु को भी जो है घटते देखेंगे। फिर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जब मृत्यु भी आएगी तो आप उसको जो है पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। असली कसौटी यही होगी, असली क्राइटेरिया यही होगा कि जब मृत्यु आए आप उससे लड़ रहे हैं, उससे घबरा रहे हैं या उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो है जीवन को सही ढंग से जिया। लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं, अगर आप जो है चिंतित हो रहे हैं, अगर आप कंप रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि जीवन जो है उसमें कुछ कमी रह गई। जीवन को जैसे जीना चाहिए था वैसे नहीं जिया। ट्रस्ट जो है एक गिफ्ट की तरह है। जिसके भीतर भी ट्रस्ट है, जो भी अपने हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जो है वो ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। जितना आप अपने हार्ट के साथ दूर हो जाते हैं उतना जो है ट्रस्ट भी दूर हो जाता है, क्योंकि आप छलांग नहीं ले पाएंगे, आप जो है कूद नहीं पाएंगे अदरवाइज। जब वो घटना जब घटेगी ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट की घटना है वो घटेगी ही तभी जब आपका जो हार्ट है वो, जब आप अपने हार्ट के साथ जुड़े होंगे। मन के लिए ट्रस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। मन जो है विचारों का संग्रह है, मन के अंदर हर तरह की जो है चालबाजी चलती है, मन के अंदर हर वक्त जो है एक सर्वाइवल जो है इंस्टिंक्ट्स चलती रहती हैं कि हाउ टू सर्वाइव। तो फिर जहाँ पे एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे आप हर वक्त जो है अपने गार्ड्स के साथ हैं, हर वक्त चौकन्ने हैं, वहाँ पे ट्रस्ट तो घटेगा ही नहीं। जीवन में ट्रस्ट का घटना जो है एक बहुत बड़ी घटना है और वो लाइफ को सही ढंग से जीने का तरीका भी है।
तिब्बत में एक संत हुए, उनका नाम था मारपा। एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। मारपा जो हैं वो एक गुरु की तलाश में थे और फाइनली जो है उनको एक गुरु मिला। तो वो गुरु की शरण में गए तो मारपा ने बोला, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है, कि मैं ध्यान की क्या विधि करूं? तो गुरु ने कहा, बहुत सिंपल है, तुम बस मेरा नाम जप लेना, सब ठीक हो जाएगा। जब भी तुम मुश्किल में होगे, जब भी तुम कठिनाई में होगे, तुम बस मेरा नाम जप लेना, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो मारपा ने कहा, बस इतना ही और कुछ नहीं? तो गुरु ने कहा, हाँ और कुछ नहीं, यही साधना है और मेरे नाम से तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। मारपा का ट्रस्ट इतना गहरा था कि उसने जो है गुरु के ऊपर सवाल नहीं उठाया, उसने डाउट नहीं करा और उसने जो है गुरु के नाम को जो है बहुत भीतर जो है अपने अंदर जो है स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों में उस गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने देखा कि मारपा जो है पानी के ऊपर चल रहा है। तो जब ये बात जो है गुरु ने सुनी तो गुरु ने कहा, बुला के लाओ उसको। तो बुला के लाए, मारपा से पूछा, अरे तू पानी पे कैसे चल लिया? तो मारपा ने कहा, अरे आपने ही तो बताया था जो आपके नाम का जो सीक्रेट है, मैंने आपका नाम लिया और मैं पानी के ऊपर चल गया। तो गुरु भी जो है बड़ा हैरान हुआ, अच्छा मेरे नाम में इतनी ताकत है, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए चल के, लेकिन पहले मैं कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। उसने मारपा को कहा, वो सामने पहाड़ी देखते हो, वहाँ से कूद जाओ। मारपा ने कुछ नहीं सोचा, उसने गुरु का नाम लिया और वो कूद गया। सबने यही सोचा था कि मारपा की हड्डी तक नहीं मिलेगी, चूर चूर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब शिष्य उसको देखने गए, वो नीचे जो है बैठा हुआ था, लोटस पॉस्चर के अंदर ध्यान कर रहा था। गुरु ये देख के बहुत हैरान हुआ। तो गुरु ने कहा कि अच्छा मेरे नाम में इतनी शक्ति है? तो गुरु ने कहा कि आज मैं अपने नाम को ही ट्राई करूंगा, पानी पे चलने की कोशिश करूंगा। उसने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया अपना नाम लेके, वो डुबकी खा गया। वो ऐसे डुबकी खाया कि उसके लंग्स में पानी भर गया। किस तरह उसको बचाया शिष्यों ने, वो पानी निकाला। मारपा ये सब देखता था और वो हैरान हो गया देख के। उसने अपने गुरु से पूछा, ये कैसे हुआ, आपके नाम में तो इतनी शक्ति है और आप ही डूब गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरु ने कहा कि मेरे नाम में शक्ति नहीं है, तेरे ट्रस्ट में शक्ति है। तूने मुझे ट्रस्ट किया, इस कारण से जो है तू पानी के ऊपर चल पाया, उस पहाड़ी से कूद पाया, तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरा ट्रस्ट जो है वो तुझे बचा गया। मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था जिसके कारण मैं डूब गया। तो इस कहानी का एक गहरा जो मैसेज है वो ये कि अगर आपके जीवन में दुख है तो आपके कारण, आपकी गलतियों के कारण, और अगर आपके जीवन में आनंद है, अगर आपके जीवन में एक उत्सव है, अगर एक आपके जीवन में खुशी है, तो वो सिंपली इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट मेक्स एवरीथिंग ब्यूटिफुल। सो दिस इज माई मैसेज टू यू, ट्रस्ट लाइफ एंड अलाउ लाइफ टू टेक केयर ऑफ यू। तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। Thank you.